कलेक्शन करते हैं डेटा का या कलेक्शन करते हैं आपके फैक्टर फिगर्स का, उसी को हम डेटा कहते हैं। डेटा जो होता है, अभी डेटा होता है रॉ डेटा। मैंने आपके क्लास के सारे बच्चों के नंबर ले लिए, राइट। अब उसमें वो डेटा है, लेकिन इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कौन से किस किस के नंबर एयरटेल के हैं, ये मेरा एक इंफॉर्मेशन हो गया। किस किस के बीएसएनएल के, ये मेरा इंफॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स वो एक एरिया है जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना सीखते हैं। कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, बार ग्राफ्स में, हिस्टोग्राम्स और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स में हमने देखा। तो बार जब हम फिगर में दिखाते हैं या फिर हिस्टोग्राम में दिखाते हैं, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में दिखाते हैं, इसका मतलब यह है कि हमको एक ही बार में, क्योंकि पिक्चर जो होती है 1000 वर्ड्स या 10,000 वर्ड्स के बराबर होती है, तो पिक्चर दिख जाए तो एक ही बार में हम उसको आराम से पता कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं अनग्रुप डेटा है, तो ये अनग्रुप डेटा होना जरूरी है। एक मीन है, सबको जोड़िए, सारे वैल्यूज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए, उसको एक्स बार से लिखते हैं, इसे मीन कहते हैं। अगर आपके पास ज्यादा एलिमेंट है तो अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर एलिमेंट और उसकी फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है उसको जोड़ के डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मीडियन ये होता है कि अगर ऑब्जर्वेशन है उसका मिडिल पॉइंट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में जो बना दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में जब एक बार आ गया तो उसको मिड वैल्यू नापनी है। मीडियन वैल्यू मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन आपके ऑड है तो n+1/2 ये आपकी मिड वैल्यू मीडियन हो जाएगी। अगर आपका मीडियन है तो n/2 और n+2/1 निकालेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे। मोड मतलब ये है कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आ रहा है, वही उसका मोड होगा उस ऑब्जर्वेशन का। तो ये बात हुई आपके स्टैटिस्टिक्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।